आज के दिन वो इस देश को शांति से चलाएंगे, प्यार मोहब्बत कायम करेंगे, नफरतें ख़त्म करेंगे। आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। तो बीते सप्ताह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान के रामपुर स्थित आवास समेत कई जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई। ये कार्रवाई 3 दिन तक चली। ये छापेमारी आजम खान के मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी थी। आईटी की टीम उनके घर से मिले दस्तावेजों की जाँच कर रही है। इसी बीच सपा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वो इस देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं। दरअसल हुआ ये कि रविवार 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। ऐसे में जब आजम खान से प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आज के दिन वो इस देश को शांति से चलाएंगे, प्यार मोहब्बत कायम करेंगे और नफरत खत्म करेंगे। सत्ता रहे या ना रहे, अपने नाम को जिंदा रखने के लिए वो करेंगे जो उनसे पहले किसी ने ना किया हो, अच्छाई के लिए। ऐसी हम उम्मीद करते हैं और ऐसा ही उन्हें करना चाहिए क्योंकि वो इस देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं। आज के दिन वो इस देश को शांति से चलाएंगे, प्यार मोहब्बत कायम करेंगे, नफरतें ख़त्म करेंगे। सत्ता रहे या ना रहे, अपने नाम को ज़िंदा रखने के लिए वो करेंगे जो उनसे पहले किसी ने न किया हो, अच्छाई के लिए। ऐसी हम उम्मीद करते हैं और ऐसा ही उन्हें करना चाहिए क्योंकि वो इस देश के सबसे बड़े व्यक्ति। इस दौरान आजम खान ने अपने घर हुई आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर कहा कि जब आईटी वाले आए थे पहले दिन से सब ने कहना शुरू कर दिया था कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मेरे छोटे बेटे के पास 9,000 रुपये, बड़े बेटे के पास 2,000 और मेरे पास 3,500 रुपये थे। मेरी पत्नी के पास केवल 100 ग्राम के करीब जेवर थे जिसकी कीमत 4 लाख रुपये थी और इतना ही हमारे पास ये दौलत थी। हमारी दौलत बस इतनी है। जब आईटी वाले आए थे पहले दिन से सबने यही कहना शुरू किया था कुछ नहीं मिलेगा। मेरे छोटे बेटे के पास 9,000, बड़े बेटे के पास 2,000 और मेरे पास 3,500 रुपये थे। मेरी पत्नी के पास 100 ग्राम के करीब जिसकी 4 लाख रुपये के करीब कीमत होती है, बस यही जेवर था। और जो नहीं था वही हमारी दौलत है। आजम खान ने कहा कि डरा हुआ लोकतंत्र खतरनाक होता है, सत्ता अनर्थ पर उतरी है। सपा नेता ने अपने अंदाज में पलटवार करते हुए पूछा कि हम चोर हैं, हम कब्र में ले जाएंगे इस विश्वविद्यालय को, कितना और जिएंगे। ये टाटा बिरला का इंस्टीट्यूट नहीं है, ये मिशन है। यहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनकी फीस प्राइमरी स्कूल के बराबर है। क्या पूरी दुनिया में ऐसी कोई मिसाल है कि किसी शैक्षिक स्थान पर कभी इनकम टैक्स का रेट हुआ हो? यहाँ जो CBSE बोर्ड के स्कूल्स हैं जिनमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनकी फ़ीस प्राइमरी स्कूल के बराबर है। माँ बाप नहीं है तो कोई फीस नहीं, साल में 2 ड्रेस फ्री, किताबें फ्री। माँ बाप में से एक नहीं है तो 50% कंसेशन। सुना होगा कहीं? क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा इतिहास है जब से दुनिया बनी है कि किसी शैक्षिक संस्थान पर इनकम टैक्स का रेड हुआ हो? वहीं जब उनसे पूछा गया कि इन मुश्किल परिस्थितियों के बीच सपा अध्यक्ष का आपको कितना साथ मिलता है, इस पर आजम खान ने जवाब दिया कि 1,000 गुना। 2024 में चुनाव प्रचार के सवाल पर आजम ने कहा कि पता नहीं उस वक्त हम कहाँ होंगे। अच्छा, सपा का कितना साथ मिलता है और सपा मुखिया का कितना साथ मिलता है ऐसी परिस्थितियों में जब कठिन परिस्थितियां आपके साथ चल रही हैं? 1000%। सर, प्रचार में देखे जाएंगे आप इंडिया गठबंधन की तरफ से 24 के चुनावों में? पता नहीं उस वक्त मैं कहाँ होंगे, बहारें मुझको ढूंढेंगी, न जाने मैं कहाँ हूँ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।